हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ पूजा। मैं आज जो मेकअप करने वाली हूँ उसके लिए यूज़ करने वाली हूँ काजल। काजल हर किसी के पास मिल जाता है एंड जो मेकअप पसंद नहीं करते उनके पास भी मिल जाता है, एंड जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास भी मैं काजल मिल जाता है, जो बिगनर्स होते हैं उनके पास भी काजल मिल जाता है। काजल से मेकअप करना बहुत इजी है और मैंने कलर काजल यूज़ किए हैं। और आप का प्रेफरेंस है कि आप कौन सा कलर काजल यूज़ करना चाहते हो, कलर या फिर ब्लैक काजल? फर्स्ट मैं ब्लैक काजल यूज़ करूँगी। सो स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग पिगमेंटेड काजल है ये। सो स्मूथ है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। स्मच करके दिखाती हूँ, स्मच प्रूफ है, बिल्कुल स्टे काजल है। और इसके मेरे पास बहुत सारे शेड्स हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले ब्लैक यूज़ करूँगी, देन फिर उसके बाद जो मेकअप रहेगा उसमें ब्लू यूज़ करूँगी। इसे तुरंत स्मच करना होगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद ये स्टे हो जाएगा। मैं स्मच ब्रश यूज कर रही हूँ स्मच करने के लिए। आपके पास ब्रश नहीं है तो आप ईयरबड्स का भी यूज कर सकते हैं करने के लिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मैं इसे नीचे की आई कट क्रीज पे भी स्विच करने वाली हूँ और मैं इसे वाटर लाइन पर नहीं स्मच कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बिगर लुक चाहिए। यू कैन सी द डिफरेंस, काफ़ी बढ़िया लग रही है। साथ साथ जल्दी से इसको भी स्मच कर लिया जाए। रेडी कर रेडी फॉर लुक। देखिए कितनी प्यारी आंखें लग रही हैं और इसे डाउट स्मोकी किए हुए काजल। मैं टर्किश ब्लू काजल यूज कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम यू कैन यूज द टेप एंड कार्ड फॉर द विंग्स। मैं इसे लोअर लैश पे भी लगा रही हूँ, वाटर लाइन पे नहीं। वाटर लाइन पे ब्लैक काजल यूज करूँगी। रेडी है। सो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मेकअप और हैक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।